ये क्या खूब कहा है, जीने का बस यही अंदाज रखो, जीने का बस यही अंदाज रखो, जो न तुम्हें समझे उसे नजरअंदाज रखो। नमस्कार मित्रों, राधे राधे, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल DMR राशि फल में। मित्रों आज हम बात करने जा रहे हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों का 19 अप्रैल दिन कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और तुला राशि वाले लोगों को आने वाले समय में वो कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। मित्रों आज हम इस वीडियो में हम बताएंगे तुला राशि वाले लोगों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। मित्रों आज हम इस वीडियो में हम आज का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। मित्रों आपकी भी तुला राशि है तो वीडियो को पूरा देखें। मित्रों आज का दिन सोमवार है, भोले शंकर भगवान का दिन है, भोले शंकर भगवान की पूजा अर्चना करें। मित्रों और कमेंट में जय भोले शंकर भगवान लिखें, भोले शंकर भगवान आप सभी की सभी मनोकामना पूरी करेंगे। मित्रों वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मित्रों अब बात करते हैं आज की चाणक्य नित्य ज्ञान के बारे में। आज आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, शिक्षा मनुष्य के जीवन में बहुत मायने रखती है। जो मनुष्य अशिक्षित होता है वह कभी सफलताओं को स्पर्श नहीं कर पाता है। शिक्षा एक मनुष्य के लिए संस्कार सिखाती है और जो व्यक्ति अपनी संतानों को अच्छी शिक्षा प्रदान कराएगा वही योग्य कहलाएगा। अपनी संतान को अच्छी शिक्षा प्रदान कराएगा वही मान सम्मान की प्रसिद्धि के लायक होगा। और आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, हर माता पिता को शिक्षा संतानों को देनी चाहिए और माता पिता यदि अपनी संतानों को अच्छी शिक्षित करेंगे तो संतान उनकी भविष्य में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और भविष्य में वही व्यक्ति अपनी परिवार को संभाल पाएगा। बेहतर संस्कार रहने से वह सबका मान सम्मान करेगा। और चाणक्य जी दूसरी बात कहते हैं, व्यक्ति सिर्फ खुद में ही नहीं शिक्षित बल्कि आसपास के लोगों को भी सही मार्ग दिखलाएगा। और चाणक्य जी कहते हैं कि अपने मित्रों को भी सही शिक्षा देनी चाहिए और जीवन में वही व्यक्ति योग्य कहलाएगा जो अपने संघ के लोगों को भी एक साथ लेकर चलेगा। और हर व्यक्ति बुरे समय में संघर्ष के दिनों में अपने मित्रों को भी साथ लेकर चलना चाहिए। मित्रों यही था आज की चाणक्य नीति का ज्ञान। पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। अब बात करते हैं आज के पाचांग के बारे में। पाचांग 19 अप्रैल दिन चल रहा है, सोमवार तिथि चल रही है, सप्तमी नक्षत्र चल रहा है, पुनर्वर्षीय ऋतु चल रहा है, वसंत ऋतु पक्ष चल रहा है, शुक्ल पक्ष। आज सूर्योदय होगा 6:20 पर और सूर्यास्त होगा 4:54 पर। आज का शुभ समय 10:32 से 12:04 तक। आज का अशुभ समय 2:26 से 3:40 तक। आज तुला राशि वाले लोगों की भाग्यशाली संख्या 4 है और भाग्यशाली दिशा उत्तर है और भाग्यशाली रंग नारंगी है। मित्रों अब बात करते हैं आज के संपूर्ण राशिफल के बारे में। राशि, आप लंबे समय से दोस्तों को देखकर खुश होंगे, परिवार के सदस्यों को दूर खुशी का माहौल होगा और लोगों के साथ दोस्ती होगी, भाई द्वारा अनुकूल लाभ मिलेगा, आप अपने सपने को सच करने लगेंगे, आपको गुस्सा राई पहाड़ बन सकता है जो आप गुस्से में पर विविधा और मुद्दों को उठाएंगे। आज का दिन मन अज्ञात व्यय महसूस करेंगे, ऑफिस के जो भी कार्य उन्हें पूर्व मन लगाकर कार्य पूर्ण करेंगे और मन चाहे प्रवेश होंगे और स्वास्थ्य के लिए दिन सामान्य रहेगा, बस माँ के स्वास्थ्य को लेकर विशेष ध्यान रखें, परिवार के प्रेम मीठी वाणी को प्रयास करते रहेंगे और आज आपको शिकायतें दूर करनी होंगी उन्हें पूरा करेंगे, बाहर से किसी नौकरी के अवसर ढूंढेंगे और सफलता के कारोबार बड़े निवास तैयारी करेंगे। युवा वर्ग मनपसंद कोर्स कर सकते हैं, कैरियर संबंधित पढ़ाई पर फोकस करना जरूरी होगा, स्वास्थ्य को लेकर कमर दर्द परेशान कर सकते हैं, खास तौर पर महिलाएं इसके लिए सावधान रहें, घर को लेकर कुछ भावनात्मक फैसले लेने होंगे, कोशिश करें कि निष्पक्ष निर्णय लें, परिवार में कभी सहयोग मिलेगा, पारिवारिक और कारोबार वर्ग में साझेदारी आएगी और अनुभव का फायदेमंद होंगे, इनका लाभ उठाएं, किसी भी को दिया हुआ उधार वापिस मिल सकता है। युवा वर्ग में आज आत्मविश्वास बचना होगा और कैरियर पर फोकस करेंगे, फिलहाल गृहस्थ जीवन में स्थिति मुनाफे का इशारा करेगी। और आज तुला राशि के जातकों को बाड़ी पर संयम बनाए रखना होगा, कुट की बाड़ी की वजह से दूसरों का सहयोग मिलेगा, काम पर पूरा समय पूरा फिजूल के बाद विवाद मुलझे नहीं और आज आपके हित में कार्य करेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन सत्य होगा, दिखावे के लिए धन खर्च करने से
बचें। सफलता दिलाने वाला दिन रहेगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखेंगे और जो आपको छवि के प्रिय बनाएगा। रुपये पैसों के मामले में बहुत अच्छा दिन रहेगा। नौकरी पेशा वातावरण सुखद होगा, आज अपनी पूरी मेहनत व ताकत से काम करेंगे। बीच में कुछ मुश्किलें आएंगी लेकिन आप उनको मैनेज करते हुए कार्य करेंगे। शेयर संबंधित कारोबार में आज आपको कुछ राहत मिलेगी। पारिवारिक की छोटी छोटी बातों को बुरा न माने, उनकी भावनाओं का ख्याल रखें। आज आपको एक साथ ही बाहर जाने की कहीं प्लान बना सकते हैं। किसी धार्मिक कार्यों पर ग्रस्त बनेंगे और पूर्ण रूप से स्वास्थ्य महसूस करेंगे। और आज का दिन आपके लिए महान पुरुषों से मेलजोल बढ़ाने की संभावना है। नए कार्यों में वैज्ञानिक तकनीकी विचार के उपरांत कुछ निर्णय लेंगे और आप अपने समय में अधिक कम कामयाब रहेंगे, क्योंकि इस समय आपकी हिम्मत पुरुषाचार शक्ति बढ़ी हुई होगी और घर के पुराने लटके हुए कार्यों में बना लेन देन का मौका रहेगा। कार्यों में सफलता मान सम्मान में वृद्धि के योग बनेंगे। अकस्मित उलट फिर आपको लाभ मिलेगा। भाग्य पर आपको साथ देने के बेताब रहेंगे। कर्म करते जाओ और सब कुछ भाग्य के ऊपर छोड़ दो, धन का लाभ होगा। कार्य क्षेत्र में आज का दिन मिला जुला साबित रहेगा। व्यापार में पारिवारिक स्थितियों के कारण तनावपूर्ण माहौल होगा। आपके मन में खुशी की बातें भी चिंताएं लगी रहेंगी। आप बेचैनी का अनुभव करेंगे। वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। आज किसी का वाहन न चलाएं और स्वास्थ्य घुटने में दर्द महसूस कर सकते हैं। स्वास्थ्य का कुछ ध्यान भी रखें। और आज का दिन किसी उतार चढ़ाव वाला रहेगा। स्वभाव में चिड़चिड़ापन किसी आर्थिक नुकसान तथा पेमेंट अटक जाने के कारण बन सकते हैं। आवश्यकता से अधिक उधार देकर कारोबार न करें और कोई पिछले रुका हुआ धन मिल सकता है। नौकरी पेशा वर्गों में आज आपका दिन बॉस से न उलझें, टारगेट पूरे होंगे और इसके कारण कुछ तनाव नहीं होगा। कारोबार तनाव के असर रिश्तों में प्रभावित करेंगे। दफ्तर जीवन में शांति मन मुटाव की स्थिति आती रहेगी। पति पत्नी के स्वास्थ्य संबंधित कुछ पीड़ा होगी और ज़्यादातर ब्लड प्रेशर हाई घट बढ़ सकता है। और तुला राशि वाले लोगों का दिन मंगल में होगा। हालांकि आपके खर्चों में बढ़ोतरी संभव है, लोगों के सामने अपने व्यवहार को विकसील बनाए रखें और वाणी पर नियंत्रण रखें। आज का मन विचलित होने न दें। आज आप लेन देन के मामले में सावधानी बरतें। आज परिवार के साथ समय बिताने का अच्छा खबर रहेगा। धर्म कर्म के कामों में भी रुचि लेंगे। मित्रों, यही था आज की राशि का राशिफल। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।